So then the food, everything is laid out. So it becomes a very, very easy way of living for them. Also, grandparents feel very happy ke bachcha saath mein hai. And the grandchild se bada attachment ho jata unko. Ya to phir nuclear family rehte ho, phir wo aana jana, milna julna, wo bahut kam hota hai. The child should always be very close to the grandparents so that wo ek culture jo ke kho raha hai, wo grandparents mein abhi bhi intact hai. Aur kyunki they are much older, so they are a lot more sensible and they are a lot more patient with kids. That. So basically, sir, hua ye hai ki aapne kitne jeete hain? 60,000. Aur aapne jeete hain 40,000. So, ab wo show ke andar kya hota hai? Kaise aapne jeete hain 40,000? To ye agar jeeti lakh rupaye, to 10 times, 10 fold jata. ये इन्होंने इनको रोका है वो 40,000 रुपए जीत कर. सो नाउ व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट राउंड मैक्सिमम यू कैन अर्न इफ यू गेट ऑल द पांच अनुमान राइट जवाब राइट यू विल मेक 6 लाख. अगर ये 40 यहां पर आ जाते तो फिर आप जीत पाते 10 लाख एंड देन 1 करोड़. तो सर कहाँ बैठेंगे आप? अच्छा रुको सर, रुको सर, ऐसे थोड़ी खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे आपको. एक वो हैम्पर जो हमारे पास है जो कि 10 साल से हमने रखा है पिछले एपिसोड. ये सर ये नहीं है सर, ये है. ये है सर. थैंक्स सलमान भाई. थैंक यू. कहाँ छोड़ के आऊँ सर मैं आपको? कहाँ बैठेंगे आप? Where you going to sit? I will come. Go there. Come. ये देखो संभाल के. हाँ ये. Thank you. संभाल आप. हाँ. दोनों बामा. मुबारक हो, आप जीत चुकी हैं. पहला राउंड नॉकआउट राउंड. और आप मेरे साथ खेलेगी हमारा अगला राउंड जो कि हम उसे बुलाते हैं 10 गुना दम. जितने भी गुना कमिट करने हैं यहाँ पर मैक्सिमम 5 अलाउड हैं, वो आप यही कर सकते हो. ऑल गुनाज हियर, नो गुनाज आउटसाइड एनीवेयर. ओके, ये गुना जो करोगे वो फायदे में रहोगे. इसमें आपको 2 लाइफलाइन मिलती हैं. तो जो एक्चुअल एपिसोड का मैं आपको बता रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा. तो सो एक्चुअल एपिसोड में इस राउंड में देखो 5 सवाल हम आपसे पूछेंगे. अब आपकी पूंजी है 60,000 रुपये. सो पहले सही अनुमान पर आपको आपकी पूंजी 2 गुना बढ़ेगी. दैट मीन्स 120. दूसरे सेकंड अनुमान पर 240. 4 गुना. फिर 6. 4 गुना तो 480. 360. 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना और 10 गुना. सो 120, 240, 360, 480 एंड 6 लाख. बट इंडिया मीटर पर जो अनुमान वाली खिड़की है, अब एक खिड़की आएगी, रेंज आएगा. जो अनुमान वाली खिड़की है वो हर सवाल पर 10% छोटी होती जाएगी. सो पहले सवाल पे है 50% की खिड़की, सेकंड पर है 40, थर्ड पे है 30, चौथे पे है 20 एंड 5वें पे है 10% की खिड़की. ओके, अच्छा 5. ओके नाउ जैसे आपका तीसरा अनुमान सही लग जाता है तो आपका सुपर सवाल खुल जाएगा. सो इन दैट आप
आपके इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकती हैं। अच्छा, इस राउंड में आप यू कैन टेक मदद ट्वाइस, दो बार आप मदद ले सकती हो। एक आप ऑडियंस की मदद ले सकते हो जिसका नाम है अंदाजा अपना अपना, लिफ्ट इट फ्रॉम अंदाज अपना अपना, एंड दूसरा है दमदार दायरा। आई डोंट नो व्हाट दैट इज कम फ्रॉम बट इट्स स्टिल दमदार दायरा। दमदार दायरा कैसे लेंगे? दमदार दायरा मैं आपको समझाता हूँ। सो वो जो 100% में से है वो 30% का हिस्सा या हिस्से, एक ऊपर का या ऊपर नीचे का, वो बंद किया जाता है। सो देन योर रियल रेंज इज 70%, और जो भी जहाँ पे भी आपने लिया है, जैसे आपकी 20% की खिड़की, तो आप वो वहाँ पर खेलोगे। एंड जो राइट जो जवाब है उसी दायरे में, 70% के दायरे में होता है। ओके, सो बेसिकली जस्ट वन हेल्प, लाइफ लाइन हेल्प फॉर यू। ओके, सो एक इस राउंड का सिर्फ एक आइडिया देना है, तो 5 के बजाय हम सिर्फ एक सवाल पूछेंगे। ओके, जो कि 5 के बराबर। लाइफलाइन हाँ, कैन आई यूज? आप इसमें दोनों लाइफलाइन ले लो। ओके, पता 50% की खिड़की भी है, पता 50% की खिड़की भी है, और एक वो अंदाज अपना अपना जो कि इन सब के पास वोटिंग पैड्स है, वोट करेंगे एंड इट विल गो अप, यू कैन सी दैट। और फिर यू कैन टेक आल्सो दमदार दायरा। रेडी? तो सवाल आपका बड़ा ही पेचीदा है, वो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि शिक्षा देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। What percent of Indians believe that lack of education is the biggest challenge our country is facing? Sir, I'll use damdar daira. पहले आप rough अनुमान लगा लीजिए। Rough लगा लिया। लगा लिया। तो don't have to set it, but thinking क्या? घुमाया। घुमा लीजिए। Thinking क्या आपकी? अच्छा, प्रतिशत पोर्ट्स पैड्स नहीं दिए आप लोगों को, सो डजंट मैटर, वहाँ से चिल्ला देना आप लोग। सर वो दोनों घूम रहा है। अच्छा, हाँ वो क्योंकि दैट वो खिड़की है ना। ओके, हाँ तो 50 का रेंज है, सो इफ यू ऑन नीचे का 5 देन ऊपर का 55 आता है। तो दैट्स 50% का। सो आपने एक रफ अनुमान लगाया है 5% से लेके 55%। No, 55% Indians think that lack of education. तो then 55% अगर Indians thinking है, तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो। अगर 45 हो या 75 हो, ये तो 50% की खिड़की के अंदर आपको वो खेलना है, बीचों बीच आना है। से फॉर एग्जाम्पल आपने, आपका सर 55% करेक्ट, अब आपने 55 लगाया है और 60 आंसर आता है, या 70 आता है, या 80 आता है, या सो देन You take this up. So then, जैसे कि अगर आपने लगाया 30% से लेके 30, 40, 50, 60, 70, तो then you covering that whole range. But I want, this is my accurate answer. हाँ? Should I take it up? आपके हिसाब से accurate answer क्या है? 55 to 60 आया तो आप हार जाओगी, जबकि पास आपके पास 50% की खिड़की है। सो इफ यू थिंक दैट इट विल बी 55 एंड अबव, और कभी 40 to 70, तो देन यू कैन कीप इट फ्रॉम 35 to 75। ऐसा So what percent of Indians believe that lack of education is the biggest challenge our country is facing? आपको क्या लगता है? Lack of education है?
लैक ऑफ एजुकेशन का प्रॉब्लम है हमारे देश में, सबसे मेजर प्रॉब्लम लैक ऑफ एजुकेशन का प्रॉब्लम तो यही है, गलत एजुकेशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एजुकेशन तो मिल जाता है पर गलत पढ़ाते, लेकिन गलत एजुकेशन इज वर्स देन लैक ऑफ एजुकेशन. सो द एजुकेशन अगर मिले तो फिर सही एजुकेशन मिले. लाइक एक कंटेस्टेंट आई थी यहाँ पर जो पढ़ी लिखी नहीं है, वन मदर, बट हर एजुकेशन व्हाट शी इज लर्न फ्रॉम लाइफ इज फिनोमिनल. जो उसने बच्ची को पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया उसने, इट इज फिनोमिनल. तो बच्ची माँ से पूछती थी जो कि एजुकेटेड नहीं. It's important for mother to be educated so that the yeah, but education generation. Also doesn't mean that qualification ka education. Yeah. It also means that knowing what is right and what is wrong. Yeah, that's moral. So आपने 15% से लगाया 65% पर, आए देखें सेट ने किया आपने? हाँ सेट के लिए वो नीचे वाला. यू श्योर क्या आपको 15 से 65 पे जाना है? सवाल ये है मैडम के व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस बिलीव दैट लैक ऑफ एजुकेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज आवर कंट्री इज फेसिंग. हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो दैट, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली बिलीव दैट? मोर देन 50% ऑफ कोर्स. आपको लगता है कि इतने लोगों को पता है? 20% लेके 70% पर Now don't look at my eyes that I am going to give you a hint, okay? Don't. आपने पहले कहाँ लगाया था? 50 कहाँ लगाया था पहले? To trust your heart. Yeah, I think it's more than 60. Yeah, so then trust your heart. जो आपने पहले लगाया था, उसके बाद see this is the biggest problem that everyone goes through. First intuition always correct, heart always correct, or phir then your mind takes over. Yeah. Set kar dijiye aap. Set karna chahenge aap? Kar dijiye set. To Anupama ne set kiya hai. 14 se leke 64% par dekhen madam. Hindustan. कि एजुकेशनल सिस्टम एंड लोगों को कितने अच्छी तरह तरीके से जानती हैं, परखती हैं, पहचानती हैं. रोलू तो गोलू, व्हाट डू हैव टू से मैन? अरे वो तो लिया नहीं आपने. दमदार दायरा और ये. That's what I was asking you ना. अरे but you should told me I didn't hear you. कि 30% वह जाना चाहिए. अच्छा आज तो 30% पे लगाना चाह रही हैं. नहीं मैंने आपसे पूछा. चलो वो 70 से लेके क्या जीत गए आप? हाउ डिड यू मैनेज दैट? कहां लगाया था आपने? 14 टू 64. उसके बाद कहां लगाया था आपने? उसके बाद फिर 70 20 से कहां पे लगाया था कुछ? हाँ 20 से कुछ. और सही जवाब क्या, कहां से कहां तक था? 14% हाँ. नहीं सॉरी 18% हाँ. लेकिन मैंने लाइफलाइन नहीं यूज किया. थैंक यू. आपका लाइफलाइन मैं था. सो टेक्निकली आप जीते हैं इमेजिनरी 1,26,000 रुपए. ओके अच्छा 6 लाख क्योंकि 5 के बजाय दैट मींस कि 1, 2, 3, 4 वी एक्ज्यूमिंग दैट आपने हर सवाल का सही जवाब दिया है एंड देन ये आपका 5वां सवाल था. ओके अब लेट्स प्ले दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके तो नाउ
क्योंकि आपने तीन नहीं अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसके अंदर मैं आपको वो सुपर सवाल जो आपने तीसरा सवाल को जो तीसरा सवाल का जो आपने सही जवाब दिया था सही जवाब दिया था उसमें आपका सुपर सवाल जो खुला हाँ अब मैं आपको सुपर सवाल के बारे में आपको बताता हूं। तो आपकी जो 6 लाख रुपए की जो पूंजी है वो इस राउंड में 60 लाख बन सकती है, यानी के 10 गुना। ओके अगर आपने खेलने का फैसला किया और आपका अनुमान सही निकला तो ये 6 लाख 60 लाख रुपए में बदल जाएंगे, और अगर आपका अनुमान गलत निकला तो आपकी पूंजी 10 गुना कम हो जाएगी, यानी के 60,000। ओके कम ना वो 60,000 लेके जा रही है ना वो 60 लाख लेके जा रही है, anyways, इसमें भी डर रही है खेलने के लिए तो इसमें ऐसा है कि आप किसी भी वक्त आप रिटायर कर सकती हैं सवाल सुनने के बाद भी। रेडी सवाल लेट्स प्ले दिस कम लेट अ प्ले दिस कम। अच्छा इस सवाल में खिड़की अगेन इज 10%। ओके और कोई मदद नहीं मिलेगी। 10% का रेंज। सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय जर्नलिस्ट सही रिपोर्टिंग करते हैं। नहीं नहीं दस 100% और यहां पर कितने परसेंट जर्नलिस्ट मौजूद जर्नलिस्ट ये मानते हैं 100%। मुझसे पूछो सो यू गॉट द आइडिया ऑफ द गेम बेसिकली या चलो गुड चलो भाई कम मैडम सो अनुज वेयर इज अनुज ओ अनुज हाय लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज Thank you so much. So, sir, very excited now to see Das Ka Dam, 4 June onwards. Of course, abhi prashnottar ka session hum shuru kar rahe hain. To uske liye main bulana chahunga stage par. Ek second. Yahan par jab aayi hain, to I want to show you. Apna show yahan par kar sakte hain apna thoda thoda. Race 3 ka trailer I want to show you. Okay. This is the new one. The new one. Okay? Please. Naya wala. Ready? Ready aap log? Dekhne mein. Yeah. Ye race zindagi ki race hai. Kisi ki zindagi leke hi khatam hogi.